नमस्कार, माई सेल्फ संजीव राणा एंड आई एम वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज नंदोटा बगवा। आज हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे एंड टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर सीरीज इज बेसिक्स Basics of mathematics. So, इसमें हम कोशिश करेंगे जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं और इवन जो हमारे हायर स्कूल्स या सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, इवन कुछ एक ऐसे छोटे क्लासी कंसेप्ट होते हैं जो इवन ग्रेजुएशन के बच्चों तक बच्चों में भी उनके अच्छे से क्लियर नहीं होते कंसेप्ट। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों में इंटरेस्ट बहुत कम होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो टीचिंग है या जो हमारा करिकुलम है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं किसी चीज पे दोष नहीं देना चाहता, बट आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ एक बच्चों को सिखाऊं जो मेरे को पता है। दिस इज अ प्लेटफॉर्म और कोविड टाइम में सभी घर पे हैं और स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो इस टाइम का हम अगर अच्छा यूज करें तो बच्चों को हम कुछ सिखा सकें। तो ये मेरा एक मोटिव है इस लेक्चर सीरीज का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। सो मैथमेटिक्स में सबसे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है दैट इज प्लेस एंड फेस। जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लेस और फेस। प्लेस मतलब आपका पोजीशन या स्थान और फेस मतलब आकृति। तो कोई भी चीज हम जब बच्चे को लिखते हैं तो सबसे पहले जैसे हम बच्चे को ये वन लिखते हैं या टू लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक फेस है, आकृति है, डायग्राम है। ये तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के जहन में ये चीज प्रिंट होती है। बच्चा सोचता है क्या लिखता है और उसको चीज को धीरे धीरे अपने दिमाग में बिठाता है। और फिर हमारी अगली बात होती है प्लेस की। प्लेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से फेस इंपॉर्टेंट है और उसी तरह से प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फेस इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं टू बोल रहा हूँ और बच्चा अगर थ्री लिख रहा है, मीन दैट उसको उस पता ही नहीं है कि टू को किस तरह से लिखते हैं, उसको उस नंबर का जो फेस है, उसको जो उसकी डायग्राम है, जो उसकी नोटेशन है, वही पता नहीं है। तो फेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लेस के साथ आता है प्लेस। Why is place important? अगर मैं अगर कोई नंबर लिखना चाहता हूं जैसे 12, तो आप सभी को पता है कि इस 1 का प्लेस और इस 2 का प्लेस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस प्लेस को मैं चेंज कर दूं, टू को मैं इधर लिखूं, वन को इधर लिखूं, तो कुछ और ही नंबर बन जाएगा। सो प्लेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस पोजीशन पे क्या चीज लिखी जाए। आई थिंक यू गॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस। अगर हम 143 बोल रहे हैं अगर, तो बच्चे को पहले प्लेस का पता होना चाहिए भी 100 कौन से प्लेस पे होता है।
टेन कौन से प्लेस पे होता है, वंस कौन से प्लेस पे होता है। तो ये प्लेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज फेस। सो सबसे पहले हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम नंबर्स के ऊपर आते हैं कि किस तरह से नंबर फ्रेम होते हैं। तो नंबर फ्रेम करने से पहले हमें नंबर कैसे फ्रेम होते हैं, तो सबसे पहले होते हैं हमारे पास डिजिट्स, जिसको हम अंक बोलते हैं हिंदी में। तो हमारे पास ये 10 डिजिट होते हैं, और इन डिजिट से ही नंबर बनते हैं, जिसको हम संख्या बोलते हैं। ठीक। सो इन डिजिट्स का नॉलेज बच्चे को होना चाहिए, इस डिजिट्स का क्या मतलब है, इस डिजिट्स का क्या मतलब है, इस डिजिट का क्या मतलब। वो जो टीचर होता है वो अपने हिसाब से, चाहे ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, या आपकी बुक्स कितनी है, आपकी एज कितनी है, लाइक दैट, उन सभी चीजों को यूज करके, जो काउंटिंग आपकी 1 to 9 है या 0 है, काउंटिंग तो नहीं बोलेंगे, डिजिट्स बोलेंगे, काउंटिंग में बाद में आऊंगा मैं। तो इनके बारे में बच्चे को, अगर हम 9 बोल रहे हैं तो बच्चे को पता होना चाहिए 9 का मतलब क्या है। 9 का 9 बुक्स हैं, 9 किसी की एज है, 9 मंथ है, 9 ईयर्स हैं। तो कहाँ भी ये डिजिट्स यूज होते हैं तो ये बच्चे को पता होना चाहिए। उसके बाद हम नंबर्स की बात करें, तो हमारे पास वन डिजिट, सबसे पहले जो नंबर बनेगा वो, जिसको हम संख्या भी बोलते हैं, तो पहले होगा 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट। ठीक। सो 1 डिजिट नंबर में ऑब्वियस है, उसमें एक ही प्लेस होगा। तो नाउ फिर प्लेस की बात आ गई, प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लेस एक होता है इसमें, और उस प्लेस को हम बोलते हैं वंस, या हिंदी में बोलते हैं इकाई, इकाई का स्थान। ठीक। तो इस वंस प्लेस से एक ही आपके जो आपके नंबर डिजिट्स आएंगे, वो यही 10 डिजिट्स आएंगे, और इन 10 डिजिट से जो नंबर फ्रेम होगा वो 1 डिजिट होगा। चाहे हम उसको 1 लिखें, या चाहे 2 लिखें, 3 लिखें, तो कोई भी नंबर अगर हम लिखेंगे 1 डिजिट नंबर, सो दैट विल बी आइदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 10 ही डिजिट्स बनेंगे, 10 ही नंबर्स बनेंगे 1 डिजिट नंबर। 0 इज ऑल्सो ए नंबर। ठीक। अभी मैं काउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बाद में बात करेंगे व्हाट इज नेचुरल नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 या 2, एज 0 से कौन सा सिस्टम स्टार्ट होता है, वो हम बाद में बात करेंगे, जब हम फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात करें। तो 1 डिजिट नंबर में एक प्लेस होता है, दैट इज वंस प्लेस। फिर अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें, 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर में हमारे पास 2 प्लेस हो जाएंगे। ठीक है। एक हमारा होगा यूनिट प्लेस, जिसको हम वंस प्लेस ही बोलते हैं, और दूसरा प्लेस हो जाएगा 10th प्लेस। तो इसको हम 10th बोलेंगे, और इसको हम तो बोलेंगे वंस। ठीक। वंस एंड 10th। तो डेफिनेटली जब हम 2 डिजिट नंबर बनाएंगे, तो जो आपका 10th प्लेस है उसमें जो डिजिट आएगा, डिजिट तो हमारे पास 10 ही है, तो इस प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम किसी नंबर को, जैसे अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि 02, सो दिस इज नॉट 2 डिजिट नंबर, इट इज ओनली 1 डिजिट नंबर।
ठीक, क्योंकि दिस दिस जीरो की यहाँ पे प्लेस, फिर प्लेस की बात आ गई, प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब इस प्लेस पे अगर हम जीरो लिखेंगे तो इट इज नॉट ए टू डिजिट नंबर, इट इज वन डिजिट। ठीक, सो इट मीन दैट जो 10th प्लेस है, 10th प्लेस में जो नंबर आएगा, डिजिट आएगा यूनियन से, नंबर वो 9 से या 9 के बराबर, 9 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, यही डिजिट्स हैं। ठीक, तो 2 डिजिट नंबर हम इस तरह से फ्रेम करेंगे, और जैसे ही हमारा ये जो 10th प्लेस है ये 9 से बढ़ेगा तो ऑब्वियस हमारे पास फिर 3 डिजिट नंबर बनेगा, 3 डिजिट्स नंबर, तो वो हमारे पास आएगा। तो उसमें हमारे पास 3 प्लेस हो जाएंगे, 1 प्लेस, 10th प्लेस एंड 100 प्लेस। ठीक, तो इसमें भी फिर हमारे पास वही चीज आ गई कि हम हमारा जो 100th प्लेस है उसमें अगर हम 0 लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 49 लिख दिया, तो दिस इज नॉट ए 3 डिजिट नंबर, तो ये फिर आपका क्या होगा, 2 डिजिट नंबर ही होगा। अगेन जो आपका 100th प्लेस में उसमें जो डिजिट आएगा वो 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल भी हो सकता है, और 9 या 9 से छोटा होगा। तो इस तरह से नंबर फॉर्मेशन बच्चों को बतानी चाहिए, और ये जो प्लेस है, प्लेस की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक, मैं थोड़ा सा एक आपको, अगर एक मैं एग्जांपल बताता हूँ कि तो यहाँ पे एग्जांपल मिले तो लेट्स सी इस प्लेस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। ये देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक नंबर लिखा है, नंबर इज 236। तो इसमें वो कितना बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा है, जो 100 प्लेस है वो थोड़ा सा एलिप्टिकल सर्कल टाइप नोटेशन है, और जो 10th प्लेस है उसके लिए स्क्वेयर यूज कर रहा है, और जो 1st प्लेस है उसके लिए ट्रायंगल यूज कर रहा है। ये मैं एनसीईआरटी बुक से करा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो इस 2 का मतलब क्या होना चाहिए, 200 है। देखिए यहाँ पे इसने बहुत अच्छे से मेंशन करा है 200। ठीक, और अगर हम बात करें यहाँ पे 10th प्लेस की बात करें, तो यहाँ पे देखो 10th प्लेस का मतलब 3 है, तो यहाँ पे 310 लिखे हुए हैं। और अगर हम यहाँ पे यूनिट प्लेस की करें बात, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे इसने ट्रायंगल यूज करा है, तो ट्रायंगल के लिए देखो यहाँ पे इसने 6 6 1 है, तो 6 यहाँ पे ट्रायंगल्स बना लिए। सो इस टाइप का, जब तक अब हम प्लेस का वैल्यू का एक इम्पोर्टेंस बच्चे को नहीं बताएंगे, एक जो नंबर सिस्टम है, जो बच्चे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम हो जाए। तो वो भी ऐसा देख, जब पे अगर सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है जैसे, अभी अभी हम यूनिट प्लेस में 3 है, तो ऑब्वियस है 3 वंस यहाँ से कट जाएंगे, तो वंस कितने रह गए, 3 रह गए। उसी तरह से यहाँ पे 2 10s है, तो 3 10, 10 से 2 10s कट गए, तो 1 10s रह गए, तो 1 दिख गया। उसी तरह से अब यहाँ पे 100 है, तो 200 हमारे पास, 1 100 कट गया यहाँ से, तो 1। सो लाइक दिस, इस टाइप की जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैं और आपको दिखाता हूँ इसमें, अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो इसमें भी आपको देखो, अगेन हमारे पास एक नंबर है 368, तो अगेन इट इज वेरी गुड इंटरप्रिटेशन। तो 3 कर दिया, ये आपके पास 6 10s है, तो 6 10s, और ये 1s है, तो 8। बच्चे को
एक चीज समझानी तो पड़ेगी कि हाँ ऐसा है, इसके लिए टीचर को थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है ना, क्योंकि इसमें किस तरह से कंसेप्ट को लेके जाना है। ठीक, फिर सब्ट्रैक्शन है तो ऑब्वियस है, जैसे 8 है तो 8 से 3 वंस माइनस हो जाएंगे, तो 3 वंस कैंसिल आउट हो जाएंगे, लाइक दिस। सो मेन मोटिव मेरा यहाँ पे है कि जो ये प्लेसिंग है, प्लेसिंग एंड फेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर, जिस तरह से कि अगर हम यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें जो हमारे पास 245 है और हमने सब्ट्रैक्ट करना है 127। अब यहाँ पे आपका जो वंस प्लेस है वो 5 और यहाँ 7, इट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ से हमें बोरो करना पड़ेगा। तो जब बोरो करेंगे तो ऑब्वियस है, यहाँ पे देखो 5 वंस तो पहले थी, तो यहाँ से हमने क्या किया था, 10s बोरो करा, 1 नहीं करा, 10 बोरोस कर। अब 10 जब बोरो करा तो एक 10 में ऑब्वियस है आपके पास, एक 10 में 10 वंस होंगे, तो फिर ये 10 वंस आ गई। नाउ इट इज टोटल 15 वंस हो गए, तो 15 वंस से फिर हम 7 माइनस कर सकते हैं, गॉट माई पॉइंट। तो फिर हमने ये एक हटा दिया, तो यहाँ पे 3 10s रह गए, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट। तो मेन मोटिव इज कि जब तक हम इनकी प्लेसिंग और फेसिंग नहीं बताएंगे। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मेरे को कहीं इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और वहाँ पे एक प्राइमरी के लिए टीचर की अपॉइंटमेंट्स कर रहे थे, तो एक मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे 72 है और इसको हमने देखो ये माइनस करना है। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ये जो यूनिट प्लेस था वो मैंने इससे बढ़ा दिया, तो मैंने पूछा कि इसको सब्ट्रैक्ट कैसे कैसे बच्चों को बताओगे आप, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे करेंगे, इसको इसको यहाँ से बोरो करेंगे, इसको यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे हमने 1 बोरो करा और यहाँ पे बन गया 12, और फिर हमने इसको माइनस कर देंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि 12 क्यों बना, आपने तो 1 बोरो करा यहाँ से, तो उसके पास कोई जवाब नहीं थी, क्योंकि उनको उन्होंने बस इतना ही आंसर दिया मेरे को कि हमें तो ऐसे ही पढ़ाया है। नो डाउट जब मैं पढ़ा था तो मैं भी इसे ऐसे ही पढ़ा था, पर जब हम चीजों में आगे थोड़ा सा इंसाइट करते हैं तो हमें समझ आती चीज है कि बाकी ये चीज क्या है। सो दिस टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरा मोटिव है कि मैं उनको शॉर्ट आउट करूं और बच्चों को बताएं बताई जाए। तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम 3 डिजिट्स नंबर इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, उसी तरह से हमारे पास 4 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट नंबर्स, तो इस तरह से नंबर सिस्टम बनेगा। फिर हम एक बात करते हैं कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो जिस तरह से इंक्रीज करेगा, तो अगर हम सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो इंडियन सिस्टम है जिसको आजकल हम भूलते जा रहे हैं, बच्चों को उसका सही से नॉलेज भी नहीं है कि क्या चीज है ये, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इन चीजों को बच्चों को बताना चाहिए। देखो वंस तो बिल्कुल जैसे होता है, वंस वंस ही होता है, टेंस हंड्रेड यहाँ तक तो ठीक है, थाउजेंड थाउजेंड 10,000 एक जीरो बढ़ती जाएगी, लैख 10 लैख, करोड़ 10 करोड़, यहाँ तक तो बच्चों ने सुना होता है, करोड़ तक तो सुना होता है, क्योंकि बच्चे कौन बनेगा करोड़पति भी सुनते हैं देखते हैं, है ना। लेकिन ये मेरे को लगता है कि बच्चों को हमने अब जब हम पढ़ते थे तो हमें बताते थे, तब वो मैं था भी, अब धीरे धीरे चीजें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चली गई हैं, तो मिलियन बिलियन की बात करते हैं, तो फिर भी हमें थोड़ा बताना चाहिए कि 10, अब 10 में 10 करोड़ में एक जीरो और लग जाएगी,
तो ये 100 करोड़ बन जाएगा, तो 100 करोड़ कौन बोलते हैं, अरब। और 1000 करोड़ को क्या बोलेंगे हम, 10 अरब। और जब इससे आगे बढ़ेगा, 1 जीरो और लगेगी तो उसके उसको बोलेंगे खरब, फिर 1 जीरो लगेगी तो 10 खरब, एंड देन नील, फिर 10 नील, फिर पदम, 10 पदम, संख, 10 संख। सो दिस इज इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर सिस्टम। और अगर मैं अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करूं, तो व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ दिस टू। सो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास इस तरह से नंबर्स हैं ये। सो यू सी कि ये इंडियन सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। वंस ठीक है, टेंस मैच करता है, ये हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक। अब यहाँ पे फर्क आ गया 10,000 के बाद, यहाँ पे हम लाख लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 100,000। ठीक। और इट मीन्स दैट हम 10 के बाद हम चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक आया थाउजेंड, थाउजेंड आया, फिर हमने लिखा 10,000, फिर हमने आगे जो 1 जीरो और बनी, जो 100,000 है, उसको हमने बोल दिया 1 लाख, 1 लाख। लेकिन यहाँ पे 100,000 रखते हैं इंटरनेशनल, 100,000। तो हमारा जो सिस्टम है उसमें 10 के बाद चेंज हो जा रहा है और यहाँ पे 100 के बाद चेंज हो रहा है, 100,000 के बाद। इसका मतलब जो 1,000, और 1,000 थाउजेंड बनेगा, दैट इज मिलियन है। अगर इसके इसका अगर हम ये लगा तो ये क्या हुआ, थाउजेंड थाउजेंड हो गया, 100,000, 100,000 और थाउजेंड थाउजेंड, सो दैट इज मिलियन है ना। सो यहाँ पे इंटरनेशनल में 3 रखते हैं, पहले 1,000 आया, फिर 10,000 आया, फिर 100,000 आया, देन इट इज मिलियन। और हमारे में क्या आता है, 1,000, 10 एंड देन लैख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, और यहाँ पे क्या मिलियन, तो 10 लाख मिलियन के बराबर हो गया, और फिर 10 मिलियंस, और फिर 100 मिलियन आए, और यहाँ पे फिर 10 लाख करोड़, फिर 10 करोड़, और यहाँ पे 100 मिलियंस। तो यहाँ पे मिलियन 3 बार आए, सिंपल मिलियन, फिर 100 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और यहाँ पे करोड़ और 10 करोड़। उसके बाद यूनिट हम चेंज कर देते हैं, अरब, 10 अरब, यहाँ पे बिलियन 1, 10 बिलियन 2, और 100 बिलियन 3। तो बिलियन 3 का 3 इसमें चलता है। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। तो अरब हो गया, फिर खरब। सो इस तरह से आपके पास 10 खरब आ गया, फिर यहाँ पे आपके पास ट्रिलियन आ गया। अब ट्रिलियन आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन तक जाए, तो ट्रिल दिस इज ट्रिलियन, ट्रिलियन मीन्स 10 खरब। ठीक। और वो उसमें यूनिट डॉलर की बात होती है या रुपीस की बात है, वो अदर इशू है। ठीक। तो उसी तरह से 10 ट्रिलियन हो गया, फिर 100 ट्रिलियन, फिर क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। तो उसी तरह से यहाँ पे सं, सो यू सी हमें थोड़ा सा इन चीजों को बच्चों को बताना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल। वी शुड नो द बोथ नंबर सिस्टम। उसके बाद अगर जब हमें इन चीजों का नॉलेज होगा और नंबर सिस्टम बच्चे बना लेंगे कि हाउ टू फ्रेम ए नंबर, तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर बनता है, तो उसमें फिर हम फिर उसी बात पे आ जाएंगे वापस, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। और दूसरा आ गया हमारे पास प्लेस वैल्यू।
डिजिट्स। तो आई थिंक फेस से ही क्लियर है कि फेस द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस इन द नंबर। इट मीन दैट अगर कोई हम नंबर लिख लेते हैं, हमने लिख लिया 6578, अगर हमने इसमें सिक्स की फेस वैल्यू चेक करनी तो सिक्स की जो फेस वैल्यू आएगी तो फेस वैल्यू ऑफ सिक्स जो आएगी वो सिक्स ही आएगी, क्योंकि उसमें फेस में फेस क्या है, फेस का मतलब ही क्या है, इट इज डायग्राम यू कैन से आकृति। तो डिजिट की आकृति तो सेम ही रहेगी ना, जो जब सिक्स है तो सिक्स ही रहेगा, सिक्स में क्या चेंज होगा, ठीक। और अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू ऑब्वियस है, सिक्स की जो प्लेस वैल्यू होगी तो प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो सिक्स कौन से प्लेस पे है, तो डेफिनेटली इट इज एट 1000 प्लेस। सो तो फेस वैल्यू ऑफ जो सिक्स होगा दैट विल बी 6000। तो इट मीन दैट जो प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट हुआ दैट इज हम क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू और साथ में उसके उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू ऑफ द प्लेस, वैल्यू ऑफ द प्लेस। तो यू सी द ये आज मैं पूरे लेक्चर में दो ही चीजों को आपको मैंने घुमाया, दोनों सारी चीज को, कि ये प्लेस और फेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बच्चों को ये कोशिश करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेस एंड फेस। नो डाउट अगर हम ऐसे भी बात करें तो एक हम बच्चा जब भी अपने थोड़ी इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंचता है तो हर चीज की वो एक अपने दिमाग में एक डायग्राम बनाता है। अगर हम बात करेंगे किसी कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसके दिमाग में वो ऑब्जेक्ट जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चे को बोले, अगर हम बोले हॉर्स, तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, हॉर्स के स्पेलिंग आएंगे या वो फेस हॉर्स को देखे अपने दिमाग में बनाया, या वो बच्चे को बोले एप्पल तो वो एप्पल उसके दिमाग में चलेगा या APPLE आएगा, डेफिनेटली उसके दिमाग में एप्पल ही दिखेगा, स्पेलिंग नहीं आएगी। और हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। So this face is very very important। और face के साथ place तो फिर हमें लगाना ही पड़ेगा, कहाँ पे उसको placing रखना, कौन सी चीज किस चीज जगह पे होगी, किस reference में होगी। So I think आज के लिए इतना काफी है। तो I hope कि आपको ये video अच्छा लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं और जो उनको ये बताया जाए, तो मैं ये पेरेंट्स को भी ये चाहूंगा कि आप इसको देखें और इन चीज़ों को, अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगे, वैल्यूएबल लगे, तो इसको सभी को पहुंचाना चाहिए ये चीज़। मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को बताया जाए, और बाकी और बहुत कुछ है मेरे पास बताने को। जैसे मैं एक और आपके साथ बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब तक हम स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर ने ऑलवेज हमें जब ब्लैक बोर्ड पे सर्कल पढ़ाया तो ऐसे ड्रॉ कर दिया सर्कल, ठीक है, सर्कल को इस तरह से बना दिया ब्लैक बोर्ड पे, और हम यही सोचते थे कि सर्कल तो ये जो सर्कल के अंदर वाली जगह है यही सर्कल है, हम तो यही सोचते कि दिस इज सर्कल। और जब हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा सीखा, हमने चीज़ों को पढ़ा, तो हमने देखा कि दिस इज नॉट ए सर्कल, दिस इज सर्कुलर रीजन। सर्कल तो हमारा तो ये तो इट मीन दैट ये जो ब्लैक बोर्ड पे सर्कल बनाना था यही फॉल्टी था, हमें सर्कल बनाने नहीं चाहिए। व्हाट वी डू, हमें क्लास में बच्चों को इस तरह से बताना चाहिए कि वायर लें
प्लास्टिक वायर, और उस वायर से अगर हम एक सर्कल बना के बताएं बच्चों को कि दिस इज सर्कल, सर्कल के अंदर कोई सरफेस नहीं होता, लाइक ए बैंगल, बैंगल जो चूड़ी है या कोई कड़ा है, रिंग है, दैट इज सर्कल। पर उसमें हम ये मानते हैं कि जो उसकी जो जो वायर है उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होनी चाहिए, दैट इज सर्कल। जब हम एरिया की बात करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, नॉट ए सर्कल। सर्कल का कोई एरिया होता है? अब ये चीज आपको मैं अगर ऐसे बोलूंगा तो लगेगा कि ये चीज कंट्राडिक्टरी है, बट देन आई चीजों को जस्टिफाई करूंगा तो आपको लगेगा कि व्हाट दिस मीन, क्योंकि सर्कल का जो डेफिनेशन होता है, सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस पे जो एक पॉइंट मूव करेगा, जो बिंदु मूव करेगा, उसका लोकस है। लोकस मतलब उस कहाँ, किस हिंदी में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, किस जगह पे वो मूव कर रहा है, जिस जगह जो जिस प्लेस पे वो मूव करेगा, जो वो ट्रेस आउट करेगा, दैट इज सर्कल। अगर इसको मैं कंसेप्ट से समझाऊं तो, अगर सपोज करो एक ग्राउंड में एक पोल है, एक ग्राउंड में पोल है, और उस पोल के साथ एक रस्सी बांध देते हैं 1 मीटर, ठीक है, और एक आदमी को बोलते हैं कि आपने यहां से पकड़ना है और अपने मूव करना है। तो जैसे वो मूव करेगा आदमी, तो उसके पांव से एक पाथ बन जाएगा राउंड। तो ये जो पाथ पाथ बना, इसको लोकस बोलते हैं। तो ये तो पाथ है, दिस इज सर्कुलर, तो ये हुआ सर्कल। बीच का कोई लेना देना नहीं है, सर्कल इज नॉट इंक्लूड दिस एरिया, सर्कल इज जस्ट दिस पाथ। तो जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज नॉट एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। एक ये बड़ा कंसेप्ट है। दूसरा मैं देखा कि ज्यादातर हम बताते रहते हैं पहले बच्चों कि पाई की वैल्यू 5/7, 22/7, और फिर जैसे ही बच्चा थोड़ा सा 9th में पहुंचता है तो हम उसको शुरू कर देते हैं बोलने कि नहीं, पाई तो हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो क्यों क्यों वही, जब हम यहाँ पे रैशनल लिख रहे हैं, इंटीजर अपॉन इंटीजर लिख रहे हैं, अगर ये रैशनल है तो फिर इसको इरेशनल क्यों बोल रहे? तो हमें पहले ही बताना चाहिए कि दिस इज नॉट इज द वैल्यू ऑफ द पाई, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। व्हाई वी अप्रोक्सीमेटिंग दिस, पाई होता क्या है, कैसे डिफाइनिंग क्या है पाई की? तो अगर हम पाई को डिफाइन करना चाहें तो देखिए कि अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट है, मान लो 10 स्टूडेंट है, और 10 स्टूडेंट्स को मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ, अलग अलग सभी की जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो अलग अलग है, ठीक है, सभी की जो लेंथ है वो अलग अलग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 मैंने स्ट्रिंग्स ली, अलग अलग लेंथ, हो सकता है ये 1 मीटर हो, ये 2 मीटर हो, ये अलग अलग लेंथ है, ठीक। और सभी को मैं बोलूँ कि आप ऐसे करो, इसको आप मेजर कर लो और आपने नोट डाउन कर लो, तो सभी का ये 10 जो नंबर आएंगे वो अलग अलग है, जो लेंथ होगी वो अलग अलग। और मैं उनको बोलूँ कि आप ऐसे करो, इसको एक मोड़ कर एक सर्कल बना लो, तो डेफिनेटली अगर ये लेंथ अलग अलग है तो सर्कल भी किसी का बड़ा बनेगा, किसी का छोटा बनेगा, तो 10 सर्कल्स बनेंगे और डेफिनेटली वो अलग अलग रेडियस के होंगे, ठीक। सो लाइक दिस, तो वी हैव 10 सर्कल्स और हमें ये लेंथ पता है, इतनी दैट ये सर्कमफेरेंस, ठीक। और फिर उनको बोला जाए कि आप ऐसे करो, इसकी बिल्कुल मिडल से एक ऐसे थ्रेड रखो और इसको मेजर कर दो, स्केल से कर लो या जैसे भी करना, यू कैन मेजर इट। और अगर मेजरमेंट करेंगे तो उनको डायमीटर मिल जाए, ठीक। और अगर हम उनको बोले कि जो आपने यहाँ पे जो लेंथ फाइंड आउट करी है उसको डायमीटर से डिवाइड करो, तो यहाँ पे इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा C1 और यहाँ पे जो इसका डायमीटर होगा 2R1, ठीक, यहाँ पे C2 होगा, यहाँ पे CR2 होगा, C3 और 2, सभी सभी का रेडियस अलग अलग है, सभी का सर्कमफ्रेंस अलग अलग है, लाइक दिस, बट सभी का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा,
सभी का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, और जो सेम आंसर आएगा वो क्या है, वो पाई। सो व्हाट इज पाई? पाई इज सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर। तो जब भी बच्चों को हम किसी को भी हम सर्कमफ्रेंस की पाई की बात करें, तो वी ऑलवेज यूज दिस सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर, नॉट 22/7। और ये ऐसा नंबर आता है जिस नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे, इसे डिवीज डिवाइड करोगे तो इसका जो डेसिमल पार्ट आएगा 3.1 करके वो आगे चलेगा, लेकिन इसका जो डेसिमल पार्ट होगा ये ना तो रिपीटिंग आएगा ना ही ये टर्मिनेट करेगा। डेसिमल पार्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल नंबर। और इसका जो डेसिमल पार्ट होता है, ये जो थोड़ा सा 3-4 डिजिट्स का पार्ट जो होता है, ये 22/7 से मैच करता है, तो हम इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं। तो आप गूगल पे जाके पाई की वैल्यू चेक कर सकते हैं, पाई की जो डेसिमल पार्ट है वो लाखों करोड़ों में चला जाएगा ऐसे अब तक, बट उसका जो पार्ट कोई रिपीट ही नहीं करता, तो दैट इज ऑलवेज चेंजिंग। सो दैट्स व्हाई दिस पाई इज इरेशनल नंबर। सो हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे, और अगर होप यू आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें और बाकी बच्चों को भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।